2020 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 17 अक्टूबर से हो रही। देश भर में 9 दिनों तक माँ दुर्गे के 9 रूप की आराधना से इस पर्व का अंतिम दिन 25 अक्टूबर होगा। नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर घरों और मंदिरों में कन्या पूजन किया जाता है। साल में 4 बार नवरात्रि आती है। इनके नाम हैं शरद नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, माघ नवरात्रि। इस बार अधिक मास पड़ने के कारण शारदीय नवरात्रि 1 महीने देर से शुरू हो रही है। वहीं चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल या हिंदू कैलेंडर के चैत्र महीने में पड़ती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गे के भक्त उनके 9 रूपों की पूजा करते हैं। उत्तर पूर्वी और पश्चिम भारत में खास तौर पर लोग व्रत रखते हैं। नवरात्रि मनाने वाले घरों में इस दौरान सात्विक भोजन बनता है। जो व्रत रखते हैं वो अन्न नहीं खाते, फलहार लेते हैं। शुद्धता का ख्याल रखते हुए नमक की जगह सीधा नमक लिया जाता है। वैसे ये जरूरी नहीं कि व्रत में हम केवल चाय, दूध या फल खाकर काम चला लें। आप व्रत का पालन करते हुए भी त्यौहार में मजा ले सकते हैं। इस बार इन फलाहारी पकवानों का लुत्फ ज़रूर उठाइए। कुट्टू का डोसा। आमतौर पर हम व्रत के दौरान कुट्टू के आटे का हलवा या पूरी बनाकर खाते हैं। इस बार आप इसे डोसे के रूप में खाएं, साथ में उबले आलू की स्टफिंग डालें। घर में जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। आलू की कढ़ी। जाहिर है व्रत के दौरान आप प्याज की पकौड़ी या बेसन की पकौड़ी वाली कढ़ी नहीं खाएंगे। ऐसे में आप आलू की कढ़ी ट्राई कर सकते हैं। आलू और दही की वजह से ये डिश आपको व्रत के दौरान ऊर्जावान रखी। लो फैट मखाना खीर। वो त्यौहार ही क्या जिसमें मीठा ना हो। नवरात्रि के दौरान मखाना खीर ज़रूर बनाएं, साथ ही इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना ना भूलें। अगर मीठा खाने के बाद वज़न बढ़ने का डर सता रहा हो तो आप लो फैट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। मखाना खीर न केवल स्वाद के लिहाज से बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी पौष्टिक है। खीरे की पकौड़ी। प्याज ना सही तो खीरा ही सही। पकौड़ियाँ खाने का दिल करे तो खाइए ज़रूर। शाम को चाय के साथ आप खीरे की पकौड़ी ट्राई करें। कुछ घरों में लौकी और आलू की पकौड़ी भी बनाई जाती है। बनाना वालनट लस्सी। कई लोग व्रत के दौरान दूध का सेवन करना पसंद नहीं करते, ऐसे में बनाना वालनट लस्सी ले सकते हैं। दही, अखरोट, केला और शहद को एक साथ मिक्स करके एक मज़ेदार लस्सी का लुत्फ उठाएं। कबाबे केला। व्रत की बोरियत दूर करनी है तो आप मज़ेदार कबाबे केला ज़रूर चखें। केला, इलायची और अदरक को साथ में उबालकर मैश करें, फिर छोटे छोटे लड्डू बनाकर तवे पर सेक लें या फिर घी में तल लें और मज़ेदार कबाबे केले का लुत्फ उठाइए।